वैसे गाइस आई होप यू आर इन वेल यू वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सैल्यूट है जो मॉर्निंग में 4 बजे उठकर ये वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, इसी तरीके से जिनको उठना है मॉर्निंग में उठते रहिए और अपने पैटर्न को फॉलो करते रहिए। इसी के साथ में आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक शानदार कोटेशन के साथ में, बड़ी ही प्यारी बात बोलेगी है, महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर कोई इंसान एक बार लाइफ में फेल हो गया, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई करो, दूसरे में नहीं हुआ तीसरा ट्राई करो, जब तक ग्राउंड छोड़कर नहीं भागना है तब तक सिलेक्शन न हो जाए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को यहां पर बताया भी था हमारे जो फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ तो उनके बारे में, अगर किसी को भी आप लोग उठाकर देखोगे, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर के बारे में अगर बात करें जिनका नाम है वैभव, ये भाई साहब देखिए यहां पर 7वां अटेम्प्ट इनका आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहां पर इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एक इंसान जो है वो जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक कॉन्टिन्यूस लगा रहा। इसी तरीके से ये पहले नेवी में, इसके बाद में उड़ीसा में जो ये सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट, तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है लाइफ में सिलेक्शन लेने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और आप लोगों को लगता है कि एक बार थोड़ा सा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका रिजल्ट सही नहीं आया तो हथियार डालकर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इंस्पिरेशन आप लोग लेते रहे इन इंसानों से जिनका सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर इनके बारे में बताता हूं। एक बच्चे के द्वारा बड़ी प्यारी बात बोलेगी कि सर दोनों वीडियो में बता दिया करो ताकि दो दो बार मोटिवेशन मिल जाए। चलिए कोई नहीं, दोनों वीडियो में इनका जिक्र कर दिया करूंगा मैं, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ करे, एक तो यहां पर जो सब्जेक्ट रहता है उसमें ऊपर लिख दिया करो आप लोग कि हाँ इस पर्टिकुलर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जैसे इन दोनों के द्वारा लिखा गया। और एक और छोटी सी बात, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैं फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को, एक पिक्चर और सेंड कर दिया करो, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो देख सके कि हाँ हमारे फैमिली मेंबर है, आपका फेस भी उनको याद रहे कि हाँ इनका सिलेक्शन हुआ था। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अगर आप लोगों को नहीं लगे, अगर आप लोगों को नहीं एक तरीके से फेस दिखाना है तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, पर लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों से अगर आप लोगों को लगता है कि फेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक पिक्चर और सेंड किया कीजिए मुझे पासपोर्ट साइज, जो कि यहां पर लगा सकूं जिसका भी सिलेक्शन हुआ करे, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर नहीं बताना है हमको किसी को और बस ये बता दीजिए सिलेक्शन है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं मुझे, तो जब भी मैसेज भेजा करें तो ऊपर ये जरूर लिख दिया करें कि सिलेक्शन किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऊपर से उसको दिख जाता है दूर से वो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में रहता हूं तो जल्दी जल्दी में इनका सिलेक्शन होता है, कम से कम वो बड़े एक कोने कहते हैं कि चाह से मैसेज करते हैं, और कई सारे तो गुस्सा भी है कि सर इतनी बार मैसेज किया बताया नहीं। तो यार देखो वही बात है ना कि वन मैन आर्मी वाला काम चल रहा है, सारी चीजें अकेले को करनी पड़ती है, तो इसलिए समझ जाया करो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको फिर से आप लोग रिसेंड कर दिया करो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जो भी आप लोग बोलो, और बाकी दो वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है अगर ये कॉम्बो पैकेज आप लोग फॉलो करके चलेंगे तो, मुझे नहीं लगता है करंट अफेयर में आप लोग कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम परेशानी देखने को मिलेगी। तो शानदार तरीके से इन दोनों वीडियो को एंजॉय करते रहिए, आइए आज का डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले तो आप लोग शानदार तरीके से लगे रहिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सीरियस होकर बिल्कुल पढ़ते रहिए। आइए अब सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज है, इसको देख लीजिए, इसके बाद में वीडियो के अंदर काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो एक एक कर पहले न्यूज देखते हैं। तो क्विज है आप लोगों के सामने, सबसे पहले क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन है इनको देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। देखिए कोई डे अगर छूट भी जाएगा तो टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजों पर निगरानी रखता हूं, उसको फिर आगे कवर कर लेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थीम आप लोगों को बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सी एजेंसी है जिसको बोला जाता है यहां पर एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो ये एजेंसी का नाम आप लोगों को बताना है जो कि यूएन का पार्ट है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया, इसका टाइटल क्या रखा गया, ये कैंपेन जो है इनके लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ये ई मोबिलिटी के बारे में और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये लोगों तक चीजें पहुंचाएगा। और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक जो कुकिंग होती है, इंडक्शन हीटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनके घर में इंडक्शन हीटर यूज हो रहा है बताइए तो जरा, और उसको जो यूज करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कभी भी चीजों को खुला मत छोड़िए, ठीक है, वो एक अलग बात है कि ऑटोमेटिक है उसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो चलते हैं वरना फिर बंद हो जाते हैं, पर लेकिन खुला मत छोड़िएगा, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, ये कई बार चीजें आप लोगों की रिपीट होती रहेंगी, रिविजन होती रहेंगी क्योंकि एग्जाम में आप लोग उनको याद रख पाएंगे इसी तरीके से। स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया यहां पर सांभर लेक को टूरिस्ट स्पॉट की तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है, आप लोगों को ये बताना है ये किस स्कीम के अंडर में आती है ये पर्टिकुलर जो इनकी स्कीम है, और कौन सी मंत्री के द्वारा, कौन सी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था
2014-15 में, जो कि कई बार न्यूज में रहती है। नेशनल जो टेक्नोलॉजी अवार्ड है 2020, ये किसके द्वारा कन्फर किए जाते हैं, ये कौन है यहाँ पर जो यहाँ पर ये अवार्ड देता है, और नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको TDB बोलते हैं, आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। CERC, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये CERC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट कब का था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काफी कुछ शानदार हम लोग यहाँ पर इसके बारे में अब जानेंगे, एक एक न्यूज देख लेते हैं ताकि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के न रहे। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है इंपॉर्टेंट डे क्या है यहाँ पर, यह है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस, तो सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर सोशल जस्टिस को आप लोग कैसे बोलेंगे, देखिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर बात करें आप लोग यहाँ पर जो जैसे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गरीबी जो है उन बच्चों को स्कूल में जाने से रोके, तो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर उनको हेल्थ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं सबके लिए मिलनी चाहिए बेसिकली, बच्चों को तो मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को वॉइस उठानी है अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है कहीं पर, ठीक है, कि हाँ ये काम इस तरीके से होना चाहिए, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, इनका जो सही है वो होना चाहिए। तो इसके चलते हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो गरीबी है, जेंडर या फिर फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन है, जो यहाँ पर पढ़ाई है यानी कि लिटरेसी है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि एक तरीके से धर्म के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, भेदभाव बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये बोला गया, जो डिजिटल मीडिया आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना आज के डेट में, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो बोला गया एक कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है आज के डेट में, ऑनलाइन सब कुछ खरीदते हैं, सब कुछ बेचा जाता है, ऑनलाइन पेमेंट देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये काफी ज्यादा जरूरी है। और हां एक और छोटी सी बात, एक वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें सोशल मीडिया के जो रूल और रेगुलेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। कहीं पर भी आप लोग कुछ भी अगर पोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसका खामियाजा गलत तरीके से न भुगतना पड़ जाए, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा उसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। पहले ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, वन लाइनर टाइप न्यूज है। बोला जा रहा है इंडिया के द्वारा मालदीव को सपोर्ट किया जा रहा है, मल्टी जो बेसिकली मल्टीलेटरल अफेयर है उसमें, यानी कि मालदीव जो है हमारा पड़ोसी देश, यहां पर आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट, ये इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेगा, कैपिटल है इसकी माले, ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो मालदीव के बारे में अगर बात करें तो इंडिया काफी अच्छे से मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, और जो इंडियन ओशियन जो रीजनल एसोसिएशन है, ठीक है, तो मालदीव उसका भी पार्ट है। तो मालदीव जो है अभी रिसेंटली यहां पर फिर से कॉमनवेल्थ को भी ज्वाइन किया गया इसके द्वारा 2020 में, क्योंकि इसके जो पहले जो लीडर थे यहां पर प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा उसको क्विट कर दिया गया था, तो 3 साल तक यहां पर उसको बाहर रहने के बाद में अब मालदीव के जो नए लीडर आए हैं उनके द्वारा इसको ज्वाइन कर लिया गया। तो अगर आप लोगों से पूछे कि रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री के द्वारा कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन किया गया, तो बोलेगा मालदीव। एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉमनवेल्थ नेशन है कौन से, कॉमनवेल्थ वो कंट्री है जो पहले कभी ना कभी जो अंग्रेजों की अंडर हुआ करते थे, यानी कि अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करते थे। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी होता है एक तरीके से अगर कोई रॉ मटेरियल निकालकर हमारी कंट्री से ले जाकर यूके में जाता है और फिर वहां पर जो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर लेकर आता है और हमारी कंट्री में बेचता है, यानी कि हमारी कंट्री में से यहां पर कपास निकाल के लेकर गए और वहां पर कपड़े बनाए और फिर हमारी कंट्री में लाकर बेच दिए, मार्केट के तरीके से यूज करते हैं रॉ मटेरियल निकालकर, तो ये कॉलोनी हो गई एक तरीके से, यानी कि प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट होगा जो ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन भी इंडिया और मालदीव के बारे में, इंडिया और मालदीव के द्वारा अभी यहां पर एक डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर एग्रीमेंट किया गया 50 मिलियन का, यानी कि इंडिया जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट देगा यहां पर 50 मिलियन का। तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो जयशंकर साहब के द्वारा यहां पर ये बेसिकली मालदीव में विजिट किया गया, तो उस टाइम पर इनके द्वारा अनाउंस किया गया। डिफेंस जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है एक तरीके की फैसिलिटी है ताकि जो मैरीटाइम डोमेन में मिलकर दोनों काम कर सके और पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, यानी कि जो इंडियन ओशियन है ना यहां पर ये शांति बनाकर रखी जा सके, कोई भी दुर्घटना घटे तो उसमें मिलकर साथ में काम कर सके, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और एक दूसरे के साथ में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इसके चलते जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड है यहां पर हार्बर, ये कहां पर है, ये यहां पर साइफुरा, ठीक है, तो इसके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा काफी अच्छे लेवल पर, कल को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो मिलकर दोनों काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है
ईरान के द्वारा बोला गया इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को टेम्परेरी जो मेजर्स थे यहां पर जो ईरान के अंदर में, हाँ ईरान जो है जो पेरिस क्लाइमेट ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन की गई थी उसको फॉलो कर रहा है या फिर कितना वो उसको वॉयलेट कर चुका है तो उसको मॉनिटर करने की बात की गई थी। तो ईरान का जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है यहां पर, उसके बाद में जब से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले तो ईरान कैसे उसको आगे लेकर चला तो उसको चेक करने की बात की गई थी। तो 2015 में ये डील साइन की गई थी जब बराक ओबामा थे, जो बाइडन आ गए 46th प्रेसिडेंट तो यहां से बाहर जो अभी फिलहाल, तो फिर वो उसमें एंट्री करने की बात करें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे बाहर निकल गए थे। तो अभी यहां पर जो ईरान है, ईरान के द्वारा यहां पर सिग्निफिकेंस रिड्यूस करने की बात की गई, जो न्यू ईरान लॉ पास किया गया उसमें बोला गया कि सीरियसली हैम्पर की जाएगी जो भी एबिलिटी है, यानी कि उनके द्वारा बोला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पॉलिसी फॉलो की थी कि मैक्सिमम प्रेशर बना के रखना ईरान के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि जब वो मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर तो क्यों हम लोग यहां पर फॉलो करें जो ईरान न्यूक्लियर डील थी। तो इन्होंने भी उसकी जो कंप्लायंस थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया, काफी हद तक इन्होंने भी अपने हिसाब से मनमानी करना स्टार्ट कर दी। पर लेकिन इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये चाहती है कि शांति बनाकर रखी जा सके, इसीलिए इसको यहां पर वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये इसके नाम से भी आप लोग इसको पुकारते हैं। यूनाइटेड नेशन की फैमिली का ये पार्ट है और यहां पर बेसिकली कोऑपरेट करने की कोशिश करती है न्यूक्लियर के फील्ड में, ताकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको शांति के हिसाब से यूज किया जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं कई बार हेल्थ सेक्टर में भी इनको यूज किया जाता है, तो जनता के फायदे के लिए उसको यूज किया जा सके, कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को नहीं मिले, तो उसके बारे में है ये न्यूज। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में साइन की गई, इसको P5+1 ग्रुप भी बोला जाता है। P5+1 में USA, UK, फ्रांस, चाइना, रसिया, यानी कि परमानेंट प्लस 5 मेंबर थे, और प्लस 1 में था यहां पर जर्मनी, जिसके द्वारा यहां पर लॉन्ग टर्म डील की गई थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के फील्ड में, ताकि ईरान जो है वो बम वगैरह नया बनाए। और इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसे बजट बोलते हैं ना आप लोग, बजट इसका नॉर्मल नाम है, पर लेकिन फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं वो रियलिटी में संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोगों को यह बताना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप लोग बताइए। तो यहां पर इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि GCPO के नाम से आप लोग पुकारते हैं इसको, जिसको नॉर्मल भाषा में आप लोग बजट या फिर ईरान न्यूक्लियर डील आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर ईरान जैसे बजट बोलते थे ना, उसको यहां पर इसे ऐसे ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला जाता है। ये अभी रिसेंटली यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला तो इनके द्वारा पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, इनके द्वारा बोला गया कि यूएसए के द्वारा अगर सैंक्शन नहीं हटाए गए तो ये जो भी जो डील के हिसाब से काम कर रहे थे उसको काम करना बंद कर देंगे और इंप्लीमेंट करना बंद कर देंगे, और वॉलेंट्री ये इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि हम लोग इसको बंद करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब हद पार कर रहे थे तो ये सारी बातें बोली गई। ईरान कंटिन्यू इंप्लीमेंट करेगा फुल्ली विदाउट जो लिमिटेशन इट्स कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विद IAEA, ठीक है। तो इसको यहां पर बोला गया था, पर लेकिन ईरान ने आगे चलकर यहां पर इसको भी एक्सेस देना बंद कर दिया, यानी कहने का मतलब ये ईरान ने भी आराम आराम से हाथ उठाना बंद कर दिया, वो हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ईरान जो है उसने यहां पर रियल टाइम एक्सेस देने से मना कर दिया कि क्या चल रहा है ईरान के अंदर, क्या बॉम्ब बना रहे हैं नहीं बना रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सारा प्रेशर डाला, तो उसी के चलते अब चीजों को नॉर्मल करने की बात की जा रही है, एग्री हो गए हैं ताकि मेजर किया जा सके कि ईरान क्या कर रहे हैं और सिचुएशन को सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेशनल न्यूज। अरे हाँ, एक और छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं, देखिए ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आप लोग कई बार बता चुका हूं, रेगुलर लेक्चर देखने का फायदा क्या होता है, आप लोग इस तरीके से चीजों को रिवाइज करते रहते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से लेक्चर देखते रहते हैं तो आप लोग ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठोगे ना तो आप लोगों को ये लगेगा यार इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोग कई बार सुन चुके हैं, आप लोगों को आसान लगेगा, पर लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं उनको वो टफ लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। आप लोगों को आसान इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर लेक्चर सुनने के बहुत फायदे हैं, सुनना है तो रेगुलर सुनना है, उसको छोड़ना नहीं है एक भी दिन। गो इलेक्ट्रिक कंपेन, गो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर लगभग 86% करीब है, फिर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। हमारी कंट्री में लगभग हम लोग 14% के करीब अपनी कंट्री में क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो इसका मतलब दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करना स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है यानी कि जो हमारी निर्भरता है दूसरे देश के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फोकस किया जा रहा है, और इवन आप लोग जो यहां पर यूज करते हैं ना कुकिंग, उसमें भी बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग आप लोगों को यूज करनी है, यानी कि इंडक्शन हीटर वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं।
तो इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए हमारी कंट्री में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो ये बोलती है कि स्टार मार्क के ही आप लोग को जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं, स्टार मार्क के प्रोडक्ट आप लोग खरीदिए। इसका मतलब ये होता है कि जितने स्टार होंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, उतना ही कम वो आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात यहां पर हो जाती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, क्वेश्चन बने, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। तो इनके द्वारा यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, पब्लिक के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ताकि चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इकोसिस्टम के बारे में बताया जा सके कि कैसा माहौल है। एम क्या है, एम वही कि 100% हमारी कंट्री में ई मोबिलिटी हो सके और सेफ ई कुकिंग फ्यूल भी हम लोग यूज कर सके। तो पैन इंडिया लेवल पे हम लोग रिड्यूस कर सके जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री के ऊपर, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, और जो लो कार्बन इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिले। अगर आज के डेट में आप लोग बाइक जो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसका मतलब ये कि एनवायरमेंट में आप लोग जो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं उसकी कमी होगी। तो इसका मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुधरेंगे। तो आप लोग अपने लेवल पर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ और बेसिक बातें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, ई मोबिलिटी एक तरीके से बात की जा रही है कि कार्बन एमिटिंग जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, उससे दूर आप लोगों को जाना है और इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को आप लोगों को यूज करना है। हमारी कंट्री में आज के टाइम पर अगर आप लोग बात करिए, 94 मिलियन टन के करीब जो ऑयल है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हम लोग यहां से इंडिया जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो बोली जा रही है कि लगभग आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये यूज किए जाने का और फंडा हमारा बढ़ेगा अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर हाइब्रिड, जिसमें आप लोग बोलते हैं ना पेट्रोल के साथ में सीएनजी का सिलेंडर रख लेना, ठीक है, या हाइड्रोजन फ्यूल, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एचसीएनजी की पहली गाड़ी कहां पर चलाएगी, एचसीएनजी कहां पर चलाएगी, ये आप लोगों ने देखा, ये हमारी कंट्री में दिल्ली के अंदर कैपिटल के अंदर चलाएगी, क्योंकि पोल्यूशन को कम करने के लिए। और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस दिया जा रहा है। ये इंडक्शन जो हीटर आप लोग यहां पर देखते हैं इसके बारे में बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक कुकिंग आप लोग बोल सकते हैं इसको, इंडक्शन कुकिंग आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको फॉलो करने की बात की जा रही है ताकि गैस के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। तो इलेक्ट्रिक बेस्ड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है और आगे चलकर सोलर के ऊपर भी हम लोग इसको फोकस कर सकते हैं ताकि सोलर पैनल वगैरह फॉलो किए जा सके, ठीक है। तो इसलिए शिफ्ट करने की बात की जा रही है ताकि दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। और इसके चलते फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनके फेम नाम की स्कीम हमारी कंट्री में लाई गई थी। अगर आप पूछे किस लिए थी यहां पर, तो हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए। हाइब्रिड क्या है, जिसमें दोनों चीजें यूज होती हैं, ठीक है, उसको हाइब्रिड बोल देते हैं। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो कई सारा अगर कुछ भी पूछे क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे सुधार जा सकते हैं, तो ये भी एक पोर्शन आप लोग वहां पर बोल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इंक्लूड करिएगा अच्छे से, ठीक है। राज्य के बारे में बात करते हैं, राज्य के बारे में बात करें तो बात की जा रही है यहां पर सांभर सोल्ट लेक के बारे में। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा, कई सारी लेक आप लोगों को दे देंगे कि भाई साहब ये लेक बताओ कि कहां पर लोकेटेड है। तो सांभर जो लेक है यहां पर, ये राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग चाहते हैं कि वो और अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाए, तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दें, यानी कि पर्यटन के तौर पर हम लोग उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दें। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में एक स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, यानी कि बाहर के देश में बाद में घूम लेना, पहले अपने ही देश के दर्शन कर लो, इतनी सारी चीजें देखने के लिए। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, सीधी सीधी बात है भाई साहब, घूमने वाली चीज है तो कौन लॉन्च करेगा, तो वही देश लॉन्च करेगा ना, बेसिकली वही मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी ना जो इससे रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्यटन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था, और बेसिकली फोकस ये था कि अपनी ही कंट्री में आप लोग घूम सके। न्यू टूरिस्ट पॉइंट जो है वो बनाए जा रहे हैं, इसके चलते यहां पर जो सोल्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अगर कुछ लोगों के मन में, क्योंकि नमक तो हर घर में यूज होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि नमक के नाम पर तो गांधी जी ने मूवमेंट चला दिया था, दांडी मार्च आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। तो इसलिए नमक हर घर में है, तो अगर उसके बारे में लोगों के मन में अगर जिज्ञासा है जानने की, ये नमक आखिर बनता कैसे, उसके बारे में थोड़ा जाने तो सही। तो उसके चलते अगर हम लोग बताएं कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे नमक बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये साल्ट लेक होगी, तो आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छा भाई साहब इस तरीके से अगर नमक बनाए जा रहे हैं तो हम लोग समझ पाएंगे, जब नमक खाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मन में एक वो नहीं कहते कि एक जिज्ञासा होती है कि देखे जाके, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो उसको और अच्छे से टूरिस्ट के बेस पर डेवलप किया जाएगा। सोल्ट ट्रेन ट्रांसपोर्ट करती है हमारी कंट्री में, ये लगभग पूरे एरिया में जो पहुंचाती है यहां पर, ये यहां पर सोल्ट ट्रेन जो है ट्रांसपोर्ट करती है सोल्ट फ्रॉम पेन जो यहां पर बेसिकली जो रिफाइनरी तक उसको, ठीक है। और न्यू जो डेस्टिनेशन है अराउंड द लेक यहां पर, जैसे म्यूजियम हो गया, इसी के साथ में जो कार्बन पार्क हो गया, या फिर जो बाइसिकल ट्रैक हो गया, गार्डन हो गया, ये भी कई सारी चीजें फाइनलाइज की जा रही है। तो इसको भी रिस्टार्ट किया जाएगा सोल्ट ट्रेन को, और ये और चीजें की जाएंगी स्टार्ट, ताकि लोग जो है वो और इंटरेस्ट के तौर पर यहां पर आ सके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कौन सी स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम है। तो ये कहां की बात की जा रही है, सांभर सोल्ट लेक के बारे में बात की जा रही है।
आइए एक बार उस लेक के भी दर्शन आप लोगों को करा देता हूं यहां पर कि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहां पर है। तो ये अपनी कंट्री के अंदर राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इसको अगर जूम आउट करेंगे तो आप लोग यहां पर इसके एग्जैक्ट देख सकते हैं। ये है सांभर झील यानी कि सांभर लेक, ऊपर है अम्मा देवयानी सोल्ट लेक, ये भी यहां पर आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। नीचे यहां पर है शहीद भगत सिंह सोल्ट पैन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जूम करोगे तो आप लोग और अंदर इसके घुस पाओगे, पूरा झील के अंदर ही घुस जाओगे, ठीक है। अब पानी के अंदर जाओगे तो आप लोगों का जो मुंह है वो थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा, ओके। उन्हें सुना गाना समंदर में नहा के नमकीन हो गए हैं, ठीक है, तो वही बात चल रही है यहाँ पर। तो क्योंकि पानी खारा है तो इस तरीके से यहाँ पर नमकीन चीजें हो जाएंगी। पर लेकिन हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो इसके फायदे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हालांकि नुकसान तो यहाँ पर नहीं बताए जा रहे हैं, फायदे हैं। फायदे क्या क्या है, देखिए, अगर गलत तरीके से इलीगल अतिक्रमण होता है तो उसको रोका जाएगा, और नुकसान क्या होगा, नुकसान ही होगा अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो अनऑथराइज्ड और ज्यादा यहां पर इसको यूज किया जाएगा। तो यहां से जो बोरवेल है या फिर पाइपलाइन है उससे अनऑथराइज्ड तरीके से एनक्रोचमेंट किया जाएगा यानी कि अतिक्रमण किया जाएगा वहां से, अगर यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये सिचुएटेड है लगभग 80 किलोमीटर अगर जयपुर से आप लोग चलते हैं तो ईस्ट सेंट्रल राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोल्ट लेक जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। इनलैंड सोल्ट लेक के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की ये सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी कंट्री के अंदर में, जो अरावली रेंज राजस्थान के अंदर, अरावली रेंज तो सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला आप लोगों से पूछी जाए तो अरावली है, ठीक है। तो ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं ये इसी के साथ साथ में। अगर आप लोगों से बात की जाए यहां पर सोल्ट सप्लाई के बारे में, तो बात की जा रही है कि जो मुगल डायनेस्टी है उसके द्वारा 1526 से लेकर 1857 तक यहां पर, ये बाद में बेसिकली बात करें तो मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करें तो उसके द्वारा सोल्ट जो सप्लाई किया जाता था यहां से, बाद में चलकर यहां पर जो जयपुर और जोधपुर जो प्रिंसिले डायनेस्टी थी उनके द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। इंटरनेशनल इंपोर्टेंस यहां पर इसकी क्या है, ये रामसर कन्वेंशन के तहत इसको डिक्लेयर किया गया 1990। रामसर क्या है, ईरान के अंदर एक सिटी है जहां पर वेटलैंड यानी कि जो झील वगैरह होती है उनको कैसे कंजर्व करना है उसके बारे में बात की गई, ठीक है। बाकी ये सिक्स रिवर है इनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर राजस्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लोकल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे सामोद खेरी, ठीक है, इसी के साथ में महानता, तो ये कुछ झील के नाम आप लोगों को दे रखे हैं। फ्लेमिंगो वगैरह या फिर वॉटरफॉल आप लोग फॉल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सांभर लेक के आसपास में, तो कई बार छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। और बाकी गहलोत साहब आप लोग जानते हैं यहां पर आज के डेट में चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अंदर में, जयपुर इसकी कैपिटल है और इसी के साथ में यहां पर जो कामराज जो मिश्रा है वो यहां पर गवर्नर है, ठीक है। बाकी डांस वगैरह कैमल वगैरह ये सब बर्ड वगैरह अगर राजस्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो ये स्लाइड इसलिए डाल देता हूं ताकि कई सारे लोकल बच्चे देखते हैं राजस्थान के तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूज हो जाती है। तो जैसे किसी भी स्टेट के बारे में कुछ आता है तो मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, अगर कभी छूट जाए तो ये मत बोलना कि सर उस राज्य की बता दी और हमारी नहीं बताई, कई बार फिर ऐसे भी कमेंट करने लगते हैं आप लोग, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसको बेसिकली बोला जा रहा है SFURTI सुफूर्ति, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा बात की जा रही है क्या, बेसिकली इनके द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो पुराने जो काम हुआ करते थे जैसे चरखा चलाने वाला जिसे गांधी जी काम करते थे और भी कई सारे ऐसे काम थे, तो 50 आर्टिशन बेस जो यहां पर क्लस्टर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा 18 राज्य के अंदर और उनको बूस्ट किया जाएगा यानी कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो किसके थ्रू, यहां पर एमएसएमई के थ्रू, जो यहां पर बेसिकली लघु जो यहां पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के थ्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है कौन सी स्कीम है यहां पर, ये जिसको बोला गया है स्फूर्ति, तो यह बेसिकली फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, जो पुराने टाइम से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ठीक है, तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि नई कोई भी चीज आएगी तो भैया एक दिन चलेगी, पुरानी तो चलती रहेगी। तो इसलिए अगर मां बाप जो है वो बूढ़े हो जाए तो उनका साथ नहीं छोड़ना होता है और साथ देना होता है उनका, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि एक मां बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर आज के में कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि 100 बच्चे मिलकर भी एक मां बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि आप लोग किस डायरेक्शन में जनता जा रही है, मतलब धिक्कार है इस तरीके के लोगों पर जो एक तरीके से बुढ़ापे में आकर अपने मां बाप का साथ छोड़ देते हैं, और ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। मैं एक छोटी सी एक स्टोरी आप लोगों को बताता हूं, अभी 2-3 दिन की है, हालांकि मैंने सोचा तो था शेयर करने की पर माइंड से निकल गई थी, अभी याद आ गई एकदम। मैं जा रहा था रनिंग करने के लिए मॉर्निंग में, तो एक पर्टिकुलर बुजुर्ग थे, ठीक है, तो वो बार बार क्या कर रहे थे, जो गाड़ियां जा रही थी रोड पे से तो बार बार उसको हाथ दे रहे थे,
तो कोई भी गाड़ी रोक नहीं रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी कहाँ जाना है। उनकी जो एज थी वो लगभग 93 के करीब थी, समझ सकते हैं आप लोग कि वो इंसान जो था वो उस कंडीशन में नहीं था कि ढंग से खड़ा भी हो सके। तो उसने मुझे बोला कि बेटा मुझे यहाँ ही किसी इंसान से मिलना है और आगे जो चौराहा है मुझे वहां तक जाना है। तो मैंने फिर बात की एक ऑटो वाले को, रोका तो उनको, अंकल जी को बैठाया और उस चौराहे पे मैंने उनको छोड़ा। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा टाइम क्या हो गया, तो मैंने उनको बताया कि ये टाइम हो गया। तो उनके द्वारा बोला यार जिस इंसान से मुझे मिलना था अब हो सकता है पता नहीं मिलेगा, नहीं मुझे बहुत लेट हो गया आने में। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको करना क्या है उस इंसान के पास में जाके, आप थोड़ा मुझे बताओगे। तो उनके द्वारा बोला गया कि मेरी जो बहू है उनके उसके द्वारा बोला गया कि पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, खाते हो, कुछ बाहर जाओ, कुछ काम करो, कुछ कमा के लेके आओ। तो मैंने बोला कि आपने बेटे को नहीं बोला आपने कि क्या क्या बोल रही है वो? तो उसके द्वारा, उनके जो अंकल के द्वारा बोला गया कि मैंने जब बोला अपनी बेटे को तो बेटे ने बोला कि जैसा बोलिए वैसा कर लो। तो यानी कि बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। तो एक जिस हम बोलते हैं ना कि लड़का चाहिए पैदा होने के लिए, वही सब चीजें जो चलती रहती हैं, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है आज के डे में। मतलब इतना इरिटेशन मुझे हुई। तो फिर मैंने बोला अंकल क्या करना है, तो वो बोले कि मेरी बेटी रहती है कहीं वहां पे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको गाड़ी में बैठा देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने फिर जिद की कि नहीं मुझे इस आदमी से मिलना है क्योंकि फिर शाम को वापस जाना होगा, तो उस आदमी से मिलना है। तो फिर मैं उनको उस आदमी के जो वहां पर ऑफिस में छोड़ गया है, तो वहां पर फिर वो आदमी मिल गया। तो जो भी था फिर उन्होंने बातें की होगी आपस में, पर लेकिन जो मैंने उस आदमी को ये बोला कि अगर इनको बेटे से एक बार बात कर लो आप, या फिर मुझे नंबर दे दो मैं बात कर लूंगा, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है इसका इनका बच्चा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को मैक्सिमम जगह कई बार देखने को मिल जाएगी। यानी कि आज की डेट में भूल जाते हैं बच्चे कि माँ बाप ने कितनी मशक्कत से उनको पाला है, और ये दिन दिखाने के लिए अगर ऐसे हरकतें कर रहे हैं बच्चे तो उनके भी कल को बच्चे होंगे, उनके साथ भी वो हरकतें होंगी। तो साइकिल जो होती है वो रिपीट होती है, टेंशन मत लीजिए। वो नहीं कहते कि करनी सामने आ जाती है सारी चीजें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को अगर कहीं पर देखो तो इनको ऐसी चीजें कम से कम रोको इनको, अगर कोई कर भी रहा है तो अपने तो दिमाग में कभी आनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लिया आप लोगों का। कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फालतू की बातें मत बताया करो, आप लोगों के लिए फालतू की हो सकती हैं पर लेकिन रियलिटी में अगर देखोगे इनके, जिस दिन आप लोगों के साथ में कोई ऐसी, भगवान ने करी कोई ऐसी दुर्घटना देखने को मिले, तब समझ में आता है। वो नहीं कहते कि अपने पर पड़ती है तो तब समझ में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उसके बारे में अगर बात करें, तो इसके द्वारा यहां पर प्रमोट करने की बात की गई थी 2005 में कि ऐसा कोई क्लस्टर हम लोग को प्रमोट करना है। और ये सारे काम कौन करता है इस तरीके से हमारी कंट्री में, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं। तो ये इसी के साथ में जो गांव के एरिया में जो इंडस्ट्री है ना उनको भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आइए इसी बहाने से थोड़ा सा इसका भी रिविजन कर लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये एक स्टैचूटरी बॉडी हमारी कंट्री में 1957 में बनाई गई थी। स्टैचूटरी का मतलब होता है स्टैचूट, यानी कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में इसको बनाया गया। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है ये 1956 में हमारी कंट्री में बनाया गया, और फिर इसके स्टैच्यूट दे दिया गया, इनके लॉ पास कर दिया गया इसके नाम का। इससे पहले इसको ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर मुंबई, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में देखने को मिलेगा, पर मेन ऑफिस जो है वो मुंबई में है। 1956 में इसको बनाया गया था, और ये बेसिकली जो गांव वाले एरिया में जो विलेज में जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट, उनको सपोर्ट करने का, उनको फैसिलिटेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का उनको काम करता है। ये किसके अंडर में आती है? तो अभी हम लोगों ने बात की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो उसी के अंडर में आती है। चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है, इसको जाकर सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं भी याद कर लूंगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा और स्कीम के बारे में बात करनी, जिसको SFURTI स्फूर्ति हम लोगों ने बोला। तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक तो रेगुलर क्लस्टर, एक बोला गया मेजर क्लस्टर। इसमें 50 के करीब जो आर्टिसन है इसमें ये काउंट किया जा रहा है, इसमें मोर देन 500 आर्टिसन। तो इसके लिए 2.5 करोड़ तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें यहां पर 5 करोड़ तक का असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री यहां पर कॉमन फैसिलिटेट सेंटर बनाएगी, इसी के साथ में प्रोक्योरमेंट ऑफ द जो न्यू मशीनरी होगी उसमें हेल्प करेगी, नया मटेरियल एक तरीके से जो नहीं होता कि कोई काम करना है तो आप लोगों के पास में सामान होना चाहिए, तो उसके बारे में हेल्प करेगी। डिजाइन, इसी के साथ में इंटरवेंशन, इंप्रूव पैकेजिंग, इंप्रूव स्किल और कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये सारे काम करेगी। तो इसके चलते जो हमारी ट्रेडिशनल जो स्किल है उसको इंप्रूव हम लोग कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूज करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज करके, तो मार्केट तक इनका सामान भी पहुंचाया जाएगा, तो काफी अच्छे से यहां पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे क्या होगा, गांव वाले एरिया में हम लोग रोजगार डेवलप कर पाएंगे काफी अच्छे लेवल पर, जो कि COVID-19 की मार से काफी ज्यादा टूट गए हैं आज के डेट में। तो ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, या फिर अवार्ड के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं।
तो नेशनल जो टेक्नोलॉजी अवार्ड है 2020 उसके बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि 12 कंपनी जो है उनको सेलेक्ट किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 के लिए। ये बेसिकली हमारी कंट्री में कमर्शियलाइजेशन, इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन के बारे में फोकस करती है। यानी कि मान लीजिए आप कल को कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या है कि गर्मी आ रही है कि एक कोई ऐसा छोटा सा आप लोगों के द्वारा फ्रिज बना देना है जो कि बहुत सस्ता है, 1200-1200 रुपए में आ जाए, ठीक है, और नेचुरली भी कोई इंपैक्ट न डाले। तो इसका मतलब यह कि वो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इनोवेट कर ली, अब ये मार्केट में आना चाहिए इसका प्रोटोटाइप बनकर, और फिर आप लोगों को इसको प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेहनत आप लोगों ने की है, उसका फल दूसरों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। जितना भी सस्ता आप लोग दे सकते हैं वो नहीं कहते कि इजी अफोर्डेबल होना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर बात की जाए अवार्ड के बारे में, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो बोर्ड है जिसको TDB आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर इसके द्वारा ये अवार्ड कंफर्म किए जाते हैं, जिसमें यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बात किया कि यहां पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये जो भी इंडिजिनियस हम लोग इनोवेशन करते हैं और कमर्शियलाइजेशन करने का इसको काम किया जाते हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस दिया जाते हैं, दूसरा MSME और तीसरा स्टार्टअप। तो जो नेशनल अवार्ड फॉर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, यानी कि अपनी ही कंट्री में हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट किया और फिर वो जनता तक पहुंचाया उसको कि भाई साहब ये चीज हम लोगों ने बना ली है। जैसे ट्विटर का वर्जन हम लोगों ने कू बना दिया, ठीक है, तो हमारी कंट्री का हो गया कू, तो हम लोग उसके ऊपर अपना प्लेटफॉर्म अपना जाएं और उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करें, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन जो है यहां पर उसको फोकस करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर 25 लाख तक का बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है अवार्ड के रूप में, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है नेशनल अवार्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में अगर बात करें, तो 15 लाख तक का यहां पर अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ये भी एक तरीके से इंडिजिनियस की फील्ड में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो MSME यहां पर सेलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा जो कैटेगरी का अवार्ड है इसको बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। तो ये जो अवार्ड है यहां पर ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के फील्ड में, तो यहां पर अगर टेक्नोलॉजी कोई ऐसा है कि कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, ऐसा पोटेंशियल है, तो उसके लिए यहां पर 15 लाख का अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारे काम किसके लिए किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, अपनी ही कंट्री में सारे काम करना स्टार्ट कर दें, तो ये काम किया जा रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से स्टैटिक पूछ लिया जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा काम किया जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ पास करके बनाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। 1996 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखेगा, ठीक है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है ऑर्गेनाइज कराया जाता है एवरी ईयर किसके द्वारा, TDB के द्वारा, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो फूड और एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एनिमल हस्बेंड्री यहां पर हमारे दिमाग में आती है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि गांव में आप लोग जाएंगे तो खेती से तो पैसा कमाया जाता है, इसके अलावा अगर दूध जो बेचा जाए उससे, या फिर मछली पालन, मुर्गी पालन वगैरह, वो सब चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। तो एक अल्टरनेटिव इनकम डेवलप करने की बात की जाती है। तो फिक्स जो स्पॉट लाइट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि प्रोडक्टिविटी बूस्ट की जा सके एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में। यानी कि अगर कहीं गांव में जाएंगे आप लोग, वहां पे अगर दूध निकाल कर लेकर आप लोग आते हैं, तो वो जो दूध निकाल कर लाया जाता है, तो उस दूध को आप लोग मार्केट में पहुंचाएं, यानी कि एक तरीके से उस दूध का आप लोग मदर डेयरी या फिर जो अमूल हो गया कहीं पर भी आप लोग उसको लेकर जाएं, तो वहां तक फिर ये शहर में भी उसको पहुंचाया जा सके। तो उसका पैसा कहां जाएगा, उसका पैसा गांव में जाएगा, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि दूध लंबे समय तक रखा नहीं रहेगा, आप लोग को उसको फिर एक तरीके से आप लोगों को फ्रिज वगैरह या किसी ठंडा जो ऐसा यंत्र करने वाला है उसमें आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो गांव वाले एरिया में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा APJ अब्दुल कलाम सर वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग कई बार बताता हूं पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि हम लोगों के गांव वाले एरिया में भी कुछ ऐसी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दें कि शहर में जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर दिक्कत क्या है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है यहां पर इस एरिया में काम करती नजर आएगी, जिसमें मैनेजमेंट किया जाएगा, केयर की जाएगी एनिमल की, और उनकी जो जेनेटिक जो क्वालिटी है उसको भी और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, और जो एनिमल का जो भी यहां पर बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ द एनिमल, और इसी के साथ में डेवलपमेंट किया गया, प्रॉफिट वहां से निकाला जा सकता है, सारा देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहां पर, तो 55% जो रूरल पॉपुलेशन है मोटे मोटे तौर पर आज के भी इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, गांव में जो लोग रहते हैं, तो उसको कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। हमारी कंट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, पर लेकिन हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को इतना लार्ज स्केल पर पैदावार नहीं देखने को मिलेगी चीजों की जितनी होनी चाहिए, यानी कि संख्या तो है पर लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। तो ऑपरेशन फ्लड हमारी कंट्री में चलाया गया, तो ऑपरेशन फ्लड जो था उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया 1970 में। जो डेयरी फार्मर है वो डायरेक्ट यहां पर कॉन्टेक्ट में आ गए मार्केट के साथ में,
तो यहां पर फिर आप लोगों ने फ्लड ऑफ द मिल्क देखने को मिला बेसिकली, जिसके चलते हमारी कंट्री में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर मान लीजिए आप लोग आज के किसी दूध के बारे में बात करते हैं तो दूध लाए उससे साथ में उससे आइसक्रीम बना लिया, दही बना लिया, छाछ बना लिया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट, और फिर आगे चल के घर में आप लोगों ने कढ़ी बना ली। ठीक है, कढ़ी किस किस को पसंद है? ठीक है, कढ़ी और साग में से अगर आप लोगों में प्रेफर करो तो कौन सी चीज खाना ज्यादा पसंद करेंगे आप लोग, कढ़ी या फिर साग? हालांकि अब सर्दियां खत्म हो गई तो साग तो खत्म हो गया, तो कढ़ी का मौसम आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहां पर बेसिकली कि आज की डेट में इंपावरमेंट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मिल्क उद्योग के बारे में बात करें तो वुमेन इंपावरमेंट होता है, तो सोसाइटी में वुमेन इंपावरमेंट आप लोग देखते हैं क्योंकि उसके हाथ में भी जो महिला है सोसाइटी में उसके हाथ में कमाई आती है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा कई बार घरों में दूध बेचा जाता है या फिर घी वगैरह भी बेचा जाता है, तो मम्मियां क्या बोलती है कि मैंने मेहनत की है ये पैसा मेरे पास में रहेगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो जो पुअर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये यहां पर बेसिकली इक्विटी और लाइवलीहुड के बारे में बात करेगा तो काफी अच्छा रहेगा, और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएगी जो कि किसानों की इनकम डबल कैसे करनी है, तो ये तरीके खोजे जा रहे हैं डबल करने के इनकम, तो उसमें से एक तरीका ये भी है। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जब एजुकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है हमारी कंट्री में जिसको आप लोग याद करते हैं, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, तो IIT के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मैंने भी फॉर्म भरा था इसका एक बार, सिलेक्शन नहीं हुआ था IIT के अंदर, फिर अपनी जिंदगी कहीं और ही जानी थी। चलिए जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है ये मानता हूं मैं हमेशा। देखिए जिंदगी में अगर कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है ना तो इसका मतलब ये कि कुछ अच्छा उससे भी ज्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। IIT में जाने की बात थी, आज IIT वालों को पढ़ा रहे हैं बैठकर, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी अगर कोई भी काम मिले तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं करनी चाहिए, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करिए और अपना काम पर फोकस कीजिए। वही APJ अब्दुल कलाम सर वाली बात मुझे आ जाती है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, जो भी कर रहे हो बस उसको पोल्यूट मत करो, जिंदगी में कभी भी आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो काउंसिल है उनके द्वारा बोला गया कि भाई साहब हमको भी ऑटोनॉमी दो, IIT ऑटोनॉमी मांग रहे हैं जैसे कि आप लोग IIM को देते हैं, यानी कि IIT बोल रहे हैं कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनको ऑटोनॉमी देते हैं ऐसे ही हमको भी ऑटोनॉमी दो। तो अभी यहां पर जो डिसीजन है यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन में तहत, तो इसको फॉलो करने की बात की जा रही है। IIT काउंसिल जो किसके द्वारा हेड की जाती है, तो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, तो निशांक पोखरियाल साहब है निशांक आज के में, तो इनके द्वारा यहां पर कौन कौन रहता है, IIT के डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयर रहती है IIT बोर्ड्स जो बेसिकली गवर्नर रहते हैं यहां पर, तो इनके द्वारा क्या होता है अगर ऑटोनॉमी मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, कोर्स क्या है, डिग्री कैसे देनी है, एकेडमिक जो है बेसिकली क्या क्या चीजें चलनी है, पेपर कब कंडक्ट कराने, वो सारी चीजें जो है ये इंडिपेंडेंटली अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन, हालांकि मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को ये जो न्यूज थी मुझे लग रहा है शायद 20 तारीख को मैंने आप लोगों से शेयर की थी, ठीक है, अगर टेलीग्राम पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे #IIT, ठीक है, IIT, तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या है बेसिकली, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंट्री में टोटल आज के डेट में कितने IIT हैं, तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 23 यानी कि 23 IIT हैं। तो IIT सबसे पहले हमारी कंट्री में कहां पर स्टेब्लिश किया गया था, तो एक खड़गपुर में स्टेब्लिश किया गया था, किसके तहत इसको स्टेब्लिश किया था हमारी कंट्री में IIT को, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारी कंट्री में 1961 का, उसके हिसाब से यहां पर स्टेब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा फाउंड किए गए थे IIT, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फाउंड किए गए थे 1951 में, ठीक है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, तो हमारी कंट्री में अगर बात करें एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं IIT काउंसिल के, मतलब क्या है जैसे ही वो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो इसके चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में कुछ IIT ऐसे हैं जो किसी कंट्री के साथ मिलकर हम लोगों ने कोलैबोरेशन में उनको एस्टेब्लिश किया था, जिसमें से IIT बॉम्बे जो है, IIT बॉम्बे हमारे साथ में सोवियत जो यूनियन है उसके साथ मिलकर काम किया गया था, IIT जो मद्रास जो है वो जर्मनी के साथ मिलकर काम किया गया था, चेन्नई जर्मनी, ठीक है, तो यहां पर जो बेसिकली याद रखेगा IIT मद्रास, तो MGGM कुछ भी याद रख लीजिएगा। कानपुर जो है वो USA के साथ में, मैंने आप लोगों को बताया था डोनाल्ड ट्रंप जो है कान में आकर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ में जो दिल्ली है वो UK के साथ में, ठीक है, तो दिल्ली में दिल्ली दरबार बनाए अंग्रेजों के द्वारा पूरा रूल किया गया, तो वो UK में देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया सोवियत यूनियन में, और मद्रास जर्मनी जैसे याद करें कुछ याद रख लीजिए, गुड मॉर्निंग या GMMG कुछ भी, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में स्टेब्लिश किया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से जाकर देख लेना, मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पर। तो ये चाह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, यानी कि हमको अपने हिसाब से काम करने दे, जो ऑटोनॉमी एब्सेंस रहती है तो उसके हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट आता है, मान लीजिए कल को आप लोग IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है,
तो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आप लोग, गवर्नमेंट के काम धंधे सब जानते हैं, पर लेकिन कल को चलकर आप लोगों को यहां पर बैठा दिया किसी आईटी के ऊपर ले जाकर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से जर्नलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट नहीं होता है, तो इसलिए कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहां पर कंस्ट्रक्टिव जो डिसीजन है उसमें अगर किसी फील्ड का एक्सपर्ट है तो वही तो दे पाएगा, तो कोई एक्सपर्ट होगा एजुकेशन के फील्ड में वही तो बता पाएगा, तो पता चला जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी और फील्ड का है, ठीक है, तो वहां पर वो ढंग से एक्सपर्टीज उसके सामने निकाल कर नहीं आएंगे, तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी और यहां पर ही देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कत निकल कर आती है। तो देखिए अगर आप लोग किसी को ऑटोनॉमी दे देंगे तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर हो जाएगी, आप लोग बोलेंगे कि ठीक है कल से फ्रिज में पानी की बोतल तुमको रखनी है, ठीक है, पानी की बोतल भरकर तुमको रखनी है फ्रिज के अंदर में, या फिर बर्फ तुमको जमाना है, या फिर घर में जो टंकी है पानी की उसको कल से तुमको फुल करना है, ठीक है, ऑटोनॉमी है कि किसी भी टाइम तुम फुल कर लो, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहां पर कभी टंकी खाली होती है घर में या कोई दिक्कत होती है तो किससे पूछा जाएगा, इस भाई साहब से पूछा जाएगा जिसको बोला था कि तुरंत पानी चलाना है, टंकी भरनी है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ऑटोनॉमी दे दी टाइम की, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कल को दिक्कत हो रही है तो कौन उसका जवाब देगा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, तो एक छोटी सी न्यूज है जिसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, नॉन एल्कोहलिक ये फैटी लीवर डिजीज जिसका नाम दिया जा रहा है बेसिकली NAFLD, तो याद रखिएगा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा भी इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई है। इसके चलते NPCDCS इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर स्ट्रोक, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी बीमारी होती है जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, कोई स्ट्रोक आता है, कैंसर होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि NPCDS ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंप्लीमेंट किया जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में हेल्थ है उसके बारे में बात की जाती है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है, लॉन्च किया गया था 2010 में ताकि प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान को खांसी नजला जुकाम है, अगर उसके कॉन्टेक्ट में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी हो जाएगा, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, पर लेकिन किसी इंसान को कैंसर है, आप लोग उसके पास में कितना भी बैठिए खाइए पिए कैंसर आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो काफी बड़ा बर्डन है, टीबी की बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी के मरीज के पास में जाएंगे तो टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है, पर लेकिन अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो वो नहीं होगा, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके चलते जो भी यहां पर जो एक तरीके से जो फैट बेसिकली बहुत बात की जा रही है इसमें, जो ये नॉन एल्कोहलिक ये फैटी लीवर जो डिजीज है इसमें एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है लीवर के अंदर में, ठीक है, जिसके चलते यहां पर जो लीवर है उसमें जो बेसिकली काफी इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, हार्मफुल है अल्कोहल का अगर यूज किया जाता है तो इसके चलते और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलने लगती है, यानी कि उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं और ऑलरेडी फैट इसमें हो चुका है तो ये बीमारी उनके लिए काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। तो शराब जो है वो सेहत के लिए देखिए बॉडी ऐसी नहीं बनाई गई है जो यहां पर बीड़ी सिगरेट शराब ये सारी चीजें ली जाती हैं, पर लेकिन एक इंसान यूज करता है तो इसके चलते उसकी बॉडी भी उसी तरीके से फिर रिएक्ट करने लगती है, तो फैटी जो लीवर है वो देखने को मिलेगा आप लोगों, और इसके चलते जो लीवर सेल है वो उसमें दिक्कत होने लगेगी, तो कई बार कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पहले आप लोगों को नॉर्मल ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आप लोग यहां पर देखते हैं और आगे चलकर ये इसकी कहानी खत्म होती है नजर आती है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये पिक्चर भी दिखा रखी है, ठीक है, हेल्दी लीवर ऐसा है और फिर जब यहां पर बीमारी हो जाएगी तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये समझाने के लिए है कि आप लोगों को हेल्दी रहना है, तो ये आप लोगों को फॉलो करके चलनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ताकि इन सब डिस्टेंस इनसे आप लोग दूरी बना के रख सकें, तो गवर्नमेंट भी उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ और बातें यहां पर जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के बारे में की जाती है, तो यहां पर जो बेसिकली उनके द्वारा बताया गया कि जो बीमारी है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं NAFLD, बोला जा रहा है कि 9% से लेकर 32% तक का ये जनरल पॉपुलेशन को देखने को मिलती है। उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जब COVID-19 के टाइम पर जब जो ये खोले गए जिस टाइम पर यहां पर शराब से रिलेटेड जो भी दुकानें थी, ठीक है, ठेके वगैरह खोले गए, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जनता इन्हीं के पास में जाकर लेटी। तो यहां पर बोला गया कि अगर जो इंसान ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है, और इसी के साथ में देखने को मिल सकता है कि डायबिटीज या फिर जो प्री डायबिटिक जो कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोलिए जिस इंसान की बॉडी पर फैट हो गया है, ठीक है, और कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को साथ में जुड़ती नजर आ जाएंगी, तो इसलिए बॉडी पर फैट जो है वो ना के बराबर होना चाहिए। अगर इंसान को हष्टपुष्ट रहना है तो इंसान की बॉडी पर फैट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और देखिए फैट जो है एकदम तो नहीं घटता है, इंसान सोचता है कि आज ही खत्म हो जाए,
तो जितने आराम आराम से वो चढ़ा है उतने ही आराम आराम से वो बॉडी से उतरेगा भी। तो इसलिए अपनी जो डाइट है वो बैलेंस करनी पड़ेगी। शाम को कम खाना, दिन में मॉर्निंग में अच्छा खाना, दोपहर को भी थोड़ा कम खाना, पानी अच्छा पीना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है। पानी बहुत बड़ा पार्ट है, पानी को आप लोग खासकर, अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है और गर्मी में एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है, गर्मी में फैट बर्न करना आसान है एज कम्पेयर टू सर्दी। सर्दी में एक्सरसाइज करते रहेंगे आप लोग, पलेंगे इतना फैट बर्न नहीं होता है, गर्मी में आसानी से बर्न हो जाता है। ठीक है, अगर आगे बात करें, यहां पर ये बात की जा रही है कि इसके लिए कोई क्योर नहीं है, बेसिकली आप लोगों को हेल्दी डाइट वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, टारगेट रहेगा कि वेट को रिड्यूस कर लें, आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो यहां पर प्रिवेंट किया जा सकता है मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को। तो ये बोला जा रहा है जो कि NAFLD है, वैसे कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है, ये सारी देखिए लाइफस्टाइल डिसीज है, इंसान ने अपनी ऊपर बहुत सारी बीमारी ऐसे लगा ली है, अपनी जो जिंदगी को बेसिकली जो काम ने कर जिंदगी को एंजॉय करने वाला जो जोन होता है ना उसके चलते, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा इंसान तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। दिन में एक बार बॉडी से पसीना निकाल दो, कुछ करो चाहे ना करो, तो बहुत सारे फायदे तो इसी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर प्रवास कुमार सिंह के बारे में। तो प्रवास कुमार सिंह जो है इनके द्वारा अभी यहां पर सेंट्रल इलेक्ट्रिक जो रेगुलेटरी कमीशन है ये उसके मेंबर की ओथ इनके द्वारा ली गई है। तो आप लोगों से सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक और खासकर इलेक्ट्रिसिटी कई ज्यादा न्यूज में भी रहती है, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा मैंने सोचा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दें। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक जो रेगुलेटरी कमीशन है यहां पर, ये रेगुलेटरी कमीशन ये एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जो है एक्ट लाया गया था 1998 में, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन जो है ये बेसिकली पर्पज, ये हमारी कंट्री में अगर बात करें इसके बारे में तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का था जो कि रिपील किया गया पहले यहां पर, किसको 1998 वाला जो एक्ट था तो उसको रिपील करके इसको लाया गया। तो कमीशन जो है इसके अंदर चेयरपर्सन और चार मेंबर होते हैं, जिसमें चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी वो यहां पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मेंबर ऑफ कमीशन। ठीक है, अगर बात करें तो इसका बेसिक काम क्या होता है, रेगुलेट करना कि बिजली के ऊपर टैरिफ कितना बढ़ाना है, यानी कि कितने भाव में बिजली रखनी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिशन कैसे होना है, तो ये सारी चीजें, ये सारी डिसाइड की जाती है टैरिफ वगैरह इनके द्वारा। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर शानदार तरीके से। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में फिर एक क्विज होगा जिसका अटेम्प्ट आप लोग करना है आंसर। तो पहले एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा, उसके बाद में हम लोगों ने चीजें समझी, यहां पर कुछ लाइनर क्वेश्चन थे, वन लाइनर। इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने समझी, इंटरनेशनल लेवल पर जो IEA के बारे में बात की गई है, नेशनल लेवल पर गो इलेक्ट्रिक कंपेन के बारे में जाना इंपॉर्टेंट था याद रखना। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने सांबर साल्ट लेक के बारे में और स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में कुछ चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात की, तो यहां पर सुफूर्ति करके जो स्कीम थी जिसको बोलते हैं, यहां पर क्या फुल फॉर्म लिखिए जरा एक बार याद हो जाएगी आप लोगों को। तो यहां पर फंड जो बेसिकली रीजनरेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो सब बताया था ना मैंने, और इसी के साथ में KVIC के बारे में जाना। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड है उसके बारे में जाना। फूड में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने जानी। एजुकेशन में IIT काउंसिल से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने समझी। हेल्थ में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में हम लोगों ने जाना, कई सारी चीजें आप लोगों को दिखाई। और ये था पर्सन इन न्यूज, और ये आप लोगों की पढ़ाई। अब बात करते हैं क्विज के बारे में। क्विज में अब थीम आप लोग बताइए क्या है इसकी, जो मैंने जो आप लोगों से वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के बारे में बात की। एजेंसी कौन सी है जिसको एटॉमिक फोर जो एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट आप लोग बोलते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, कंपेन क्या रखा गया ई मोबिलिटी या फिर ई इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको सपोर्ट करने के लिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंडर में आती है, कौन सी स्कीम है यहां पर अगर बात करें। सांबर सोल्ट लेक के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री के बारे में अगर बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यहां पर, ये बेसिकली जो स्कीम थी। नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड किसके द्वारा कंफर्म किए जाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यहां पर ये ऑब्जर्व किया जाता है, किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। CERC यहां पर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन एक्ट है, ठीक है, तो उसके अंडर आते हैं। तो कब का ये एक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने इनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब थोड़ा कल का अरे यार सिट क्विज दिखाना था, पहले आंसर दिखा दिए ये क्विज है, चलिए इसको अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, चिटिंग नहीं करनी, आंसर भले ही दिख गए पीछे जाकर आंसर नहीं देखना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अटेम्प्ट कर लीजिए। XR क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये हम लोगों ने जो यहाँ पर आइंस्टीनियम के बारे में पूछा था कहाँ से निकाला गया था। ठीक है, ये XR जो है ये क्या है इसके बारे में, ये बेसिकली, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए आंसर तो दिखाई दिया, अब क्या रह गया। चलिए कोई नहीं, आंसर तो आप लोगों के सामने आ गए। ठीक है,
तो इसको अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, बाकी पीडीएफ में सारी चीजें आप लोग को मिल जाती हैं और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, तो नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। और हाँ, अगर आप लोगों को ये लेक्चर फायदा पहुंचा रहा है तो आप लोग इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके, और जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा ना, वो बोलेगा जरूर कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझे बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से बांटने से बढ़ती है एजुकेशन और प्यार, तो इसको बांटते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।